पढ़ते एक और कंपनी की मैनेजमेंट से जुड़ने का समय आ गया, कॉस्मो फर्स्ट नाम की कंपनी, और उनके आप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंपनी के सीईओ हैं पंकज पोदार, ग्रुप सीईओ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सर एक कल खबर मार्केट ने एक्सचेंजेस ने इन्फॉर्म किया था कि आप 108 करोड़ रुपये का बायबैक कर रहे हैं, और मार्केट ये अच्छी चीज़ें समझ रहा है कि अच्छा प्रीमियम भी है। सर ये बायबैक का करने की वजह और ये जो 108 करोड़ रुपया है ये बुक्स में से जब आ जाए निकल जाएगा फिर ओवरऑल बुक्स कैसी होंगी सर, इन पर्टिकुलरली कैश की? हाँ जी, सो ओवरऑल जो डेट हमारा रहेगा इसके बाद अराउंड 500 करोड़ रहेगा। लास्ट ईयर हमने करीब 600 प्लस करोड़ का एबिटडा किया था, तो उसमें हम काफी कंफर्टेबल हैं। हमारे बोर्ड हमेशा से मानता है कि अच्छे समय में और या हर वक्त आपको एक इन्वेस्टर्स को एक फेयर रिटर्न देना है, वो कंपनी हमेशा देती रही है, और उसी वजह से ये बायबैक भी किया गया है। सेकेंड, जो आपने कहा कि जो बायबैक है, एक तो जो प्रीमियम है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे बोर्ड मानता है कि हमारा जो शेयर प्राइस अभी काफी अंडर है, तो उसी की वजह से उन्होंने एक सही प्रीमियम उसको ऐड करके ये प्राइस दिया है। बिकॉज हमें लगता है कि मार्केट में इस वक्त अंडर वैल्यूड है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बायबैक करने की। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि बायबैक की तो खैर आपने बताया मेजरली डेट पोजीशंस और कैश फ्लो पोजीशन क्या होगी उसके बाद, लेकिन एक चीज जो मैनेजमेंट गाइडेंस से हमें पता चली थी वो ये भी कि आपने 4500 करोड़ रेवेन्यूज तक की गाइडेंस दी है FY25 के लिए। अभी फिलहाल आपकी जो ROE है ROCE है वो लगभग 32% 25% रिस्पेक्टिवली है, कितना इम्प्रूव हो सकती है आफ्टर दिस बायबैक? देखिए, एक तो हमने जो गाइडेंस दी थी वो ये कहा था कि FY25 तक हमारा कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा, और FY26 की हमने करीब 5000 करोड़ की गाइडेंस दी थी पास्ट में, वही हमने मेंटेन रखी हुई है। और क्या होता है कि जब आपका इक्विटी बेस कम हो जाता है तो ROCE और ROE उस तरह से बढ़ जाता है, तो हमारा और चाहे कितना भी आपका रिटर्न आए, मतलब कितना भी एबिटडा आए या नेट प्रॉफिट आए, अगर आपका इक्विटी बेस कम है तो ROE और ROCE नंबर बेटर दिखता है। तो हमारा जो इक्विटी नंबर है करीब करीब 10% कम हो रहा है, और अकॉर्डिंगली उतना इंप्रूवमेंट ROCE और ROE में दिखना चाहिए आने वाले समय में। पंकज जी एक आखिरी सवाल आपसे, आपका मैं रेवेन्यू स्प्लिट देख रहा था तो पैकेजिंग से करीब 50% के आसपास का रेवेन्यू आता है, मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हो रहा हूँ तो। दूसरा लेमिनेशन से आता है 24% अराउंड अराउंड, और लेबल फिल्म से आता है करीब करीब 10% के करीब करीब आपके पास आता है। सर इन तीनों में से सबसे अच्छा मार्जिन्स कहाँ पर है और आगे भी मार्जिन्स कहाँ पर अच्छा रहेगा, ये जरा सेगमेंट टू सेगमेंट अगर आप बता पाएँ तो। सो हमारे लिए जो देखिए, हमारे 5 सेगमेंट्स हैं। हमारा सिंथेटिक पेपर है, पैकेजिंग है, लैमिनेशन है, लेबल्स और इंडस्ट्रियल फिल्म है। इसमें से इंडस्ट्रियल फिल्म, सिंथेटिक पेपर, लेबल्स और लैमिनेशन, ये चारों सेगमेंट्स बड़े निश सेगमेंट्स हैं, और इनमें चारों सेगमेंट्स में मार्जिन बेटर आते हैं। पैकेजिंग में जो हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं उनमें मार्जिन फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन बाकी पैकेजिंग का मार्जिन मार्केट के हिसाब से काफी मूव करता है। अगर सप्लाई काफी बढ़ जाती है तो मार्जिन कम भी हो जाता है, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो मार्जिन बढ़ भी जाता है। तो पैकेजिंग का पार्ट ऑफ द मार्जिन मार्केट लिंक्ड है, जबकि लेबल्स और लैमिनेशन और ये सारे में हम निश सेगमेंट्स में हैं। इनफैक्ट हम लैमिनेशन फिल्म में ऑलरेडी वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेयर हैं, लेबल्स में हम जो स्पेशलिटी लेबल्स है उसमें हम ऑलरेडी वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं, सिंथेटिक पेपर में हमारे काफी बड़ा वर्ल्ड में एक प्रेजेंस है, और ऐसे इंडस्ट्रियल फिल्म में भी हम एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में। तो ये तो कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर आपकी अच्छी लीडरशिप है और इसीलिए शायद आप अपना मार्केट शेयर स्पेशलिटी फिल्म से बढ़ाना भी चाहते हैं FY23 तक। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पोदार आज समय देने के लिए और इस सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।